कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और उसके अलावा मेरे पास एक और खुशखबरी भी है कि मेरी चैनल की पिन आ चुकी है एडसेंस से, जो कि मैंने बहुत दिनों से अप्लाई किया हुआ था और काफ़ी लेट आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पिन आ गई है। और चैनल तो मेरा मोनेटाइज हो ही चुका था, काफ़ी अर्सा हो गया था, लेकिन पिन नहीं आ रही थी। अब वो भी अल्लाह का शुक्र है कि आ चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। डबल खुशी मिल गई मुझे, एक तो ईद और ऊपर से मेरी पिन आ चुकी है। तो मेरा बेटा रात को मेरे लिए बुके भी लेकर आया है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना बच्चों के लिए अच्छे से डिनर बनाया जाए। और कुर्बानी हमारी कल होगी इंशाल्लाह ताला, तो आज फिर चिकन से कोई अच्छी सी डिश बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर ये देखिए बारिश हो रही है, बहुत मज़ेदार सा ठंडा ठंडा मौसम हुआ हुआ इस वक्त। और चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और मेरा ख़्याल था कि आज मैं बनाऊंगी हलवा पूरी, तो मौसम की मुनासिबत से तो पूड़ियाँ बनाते हैं और साथ में कढ़ाई बनाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, मैंने हलवा बनाया सूजी का साथ, गरम गरम पूरियां बनाई। और पूरियां मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी सूजी भी डालती हूँ और मैदा भी डालती हूँ और आटा भी डालती हूँ, इससे बड़ी खस्ता बनती हैं। इसके अलावा मैं इसकी रेसिपी दूँगी पूरी, इसमें मैं ना थोड़ा सा दही भी डालती हूँ। दही डालने से मेरी पूरियाँ बहुत खस्ता होती हैं, जिस तरह मैदे की वो चीचड़ सी बन जाती हैं, इस तरह नहीं होती। और मैंने साथ में कोयला कढ़ाई बनाई, कोयला कढ़ाई इस तरह के मैंने पहले चिकन टिक्का बनाया, उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई बनाई, क्योंकि ये मेरे छोटे बेटे की फरमाइश थी कि अम्मी वो टिक्का कढ़ाई बनानी है, तो फिर इस तरीके से मैंने बाद में कढ़ाई में ज़ाहिर ओवन में टिक्का बनाया। इस वक्त तो मैंने और धुआं लगा लिया और हलवा भी मेरा गरम गरम तैयार है और बाहर तेज़ बारिश हो रही है। और हलवे को मैंने गार्निशिंग कर देती हूँ, खोपरा मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं खोपरे से ही गार्निशिंग कर रही हूँ। और साथ गरम गरम मैंने पूरियां बनाई बच्चों के लिए और कढ़ाई थी, बहुत अमेजिंग कढ़ाई बनी थी, बहुत मज़े की। और ये मेरी एडसन की पिन भी साथ ही रखी हुई है, क्योंकि सीट की वजह से आज मैंने बच्चों के लिए स्पेशल सा डिनर तैयार किया है। और थैंक यू सो मच मेरा बेटा शहीद, जो मेरे लिए इतना प्यारा सा बुके लाया और मेरे साथ बहुत मेहनत करता है। मेहनत तो माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली कर रही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा शहीद बेटा मेरे साथ कर रहा होता है। और पिन हमारी आ चुकी है, आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हमें और कामयाबी मिले और अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी कामयाब करे। और खाना हम लोग खा चुके हैं, ज़ाहिर है वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। बहुत अमेजिंग कढ़ाई बनी थी, हलवा भी बहुत अच्छा था, एक मिनट में सारे हम लोग चट कर गए, हलवा भी और कढ़ाई भी और पूरियों के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा डिनर तैयार हुआ था। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।